दिल्ली पॉलिटेक्निक का रिजल्ट आ चुका है और आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। उसके बाद अब बात आती है कि उसके बाद क्या करना है, काउंसलिंग कैसे करनी है, एडमिशन कैसे लेना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कब काउंसलिंग करानी है, उसकी डेट क्या है, कब कौन सी फ़ी पे करनी है, वो सारी चीज़ें, तो सारी बातें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। चॉइस कैसे फिल करना है वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहली बात करते हैं, रिजल्ट आ चुका है आपका और उसके बाद अब ये क्या क्या हमें स्टेप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पहली काउंसलिंग, वो चार काउंसलिंग होती है और उसके बाद अगर सीटें फिर भी बच जाती है तो स्पॉट राउंड होता है। स्पॉट राउंड सिर्फ दिल्ली वालों के लिए होता है, सीटें बच जाती हैं तो। फर्स्ट काउंसलिंग में कब होगी क्या होगी वो सारी डेट मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले बात करते हैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में करना क्या है। तो सबमिशन ऑफ प्रोसेसिंग फ़ी, सबसे पहले आपको प्रोसेसिंग फ़ी पे करनी है जो 718 रुपये पे करनी है आपको, जो नॉन रिफंडेबल है आपको वापस नहीं मिलेगी, प्लस इसमें बैंक चार्ज जो भी होगा, मतलब कुल मिलाकर ओवरऑल 718 रुपये के आसपास आपको पे करने हैं और ये वन टाइम पेमेंट है। अगर आपने एक बार पे कर दिया तो दोबारा आपको सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग या फोर्थ काउंसलिंग किसी और में पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार पे करना है। और पेमेंट जो होगा डिजिटल मोड से होगा, आपको कोई ऑफलाइन अलाउड नहीं है, आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आप पे कर सकते हैं। पे करने के बाद जो भी फ़ी पे करेंगे तो एक रिसिप्ट जनरेट होगी, उसको प्रिंट करके आप रख लेना, एडमिशन के टाइम आपको ये लेकर जाना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन आपकी क्लियर हो चुकी है, स्टेप वन में क्या करना है। स्टेप टू, उसके बाद आपको फ़ी पे करने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें आपको बेसिक कुछ चीज़ें जैसे नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेगी। आधार कार्ड नंबर कंपलसरी, आधार कार्ड नंबर फिल करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको फिल करनी पड़ेगी। ये होने के बाद, दो स्टेप होने के बाद आपको ऑनलाइन चॉइस सबमिशन, ऑनलाइन चॉइस सबमिशन बहुत ही ध्यान से सबमिट करना है कि मतलब आपको कौन से कॉलेज में और कौन सी ट्रेड चाहिए, वो सारी प्रेफरेंस लगभग 50 से 60 आप फिल कर सकते हैं मैक्सिमम, इतनी लगभग मेरे ख्याल से ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, क्योंकि लास्ट टाइम 64 के आसपास ऑप्शन थे, तो इस साल भी इतने मिल जाएंगे आपके पास। अब आपको उसमें देखना है क्या, अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है, जैसे आपकी रैंक अंडर 1000 है या अंडर 500 है, अंडर 200 है या 2000 के अंडर में, तो आप उन कॉलेजों को पहले प्रेफर करो जिसमें आपको जो ट्रेड चाहिए। जैसे मान लो अगर आपकी रैंक 500 है और आपको पूसा में सिविल चाहिए, तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी अगर आप पूसा के रखते हो तो सबसे पहले पूसा को प्रेफर करो। पूसा में फिल करते वक्त ध्यान रखना कि मॉर्निंग या इवनिंग दोनों ऑप्शंस होंगे वहाँ पे, तो उन चीज़ों को ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आपको पूसा में नंबर नहीं आता, फिर आपको मान लो आर्यभट्ट चाहिए तो आर्यभट्ट फिल करो। उसके बाद अगर अम्बेडकर तो अम्बेडकर या गुरु जी बी पंत या गुरु नानक देव जो भी चाहिए वो सीरियल वाइज इस तरीके से फिल करना है। आप कितने भी ऑप्शन फिल कर सकते हो, जितने उसमें आपको मैक्सिमम लिमिट अलाउड होगी। आप दो भी फिल करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट एक तो फिल करना ही पड़ेगा आपको। बट ज़्यादा अच्छे है, अगर आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आपकी रैंक थोड़ी ज़्यादा है, जैसे मान लो आपको 5000 प्लस भी है, तो आप मैक्सिमम चॉइस फिल करो, मैक्सिमम जितने ज़्यादा हो सके। और जिन बच्चों की रैंक 10000 से ज़्यादा है, 8000 10000 है, वो बच्चे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल को पहले प्रेफरेंस ना दें, क्योंकि उनमें उनका आना भी नहीं है और शायद ऐसा हो सकता है उनको फर्स्ट राउंड में कोई सी भी ट्रेड ना मिले। तो वो बच्चे क्या करें, उन ट्रेड को ज़्यादा प्रेफर करें। उसके अलावा, इन तीन ट्रेड के अलावा बाकी में आप जिसमें एडमिशन ले सकते हैं या जिसमें आप जो आपको पसंद है, जैसे आपके पास जैसे आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप हो गया या उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन हो गया, और भी बहुत सारे ट्रेड हैं, टोटल 28 ट्रेड हैं जो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में वेबसाइट पर देख सकते हैं। उन 28 ट्रेड में आप बहुत सारे ट्रेड ऐसे हैं जहाँ पे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हो गया प्रिंटिंग में, या पॉलीमर हो गया, इन सब चीज़ों में, इन सब ट्रेड में डिमांड शुरू में कम होती है, इनमें आपको आसानी से, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, इनमें एडमिशन जल्दी मिल सकता है। तो इन ट्रेड को पहले प्रेफरेंस दो, आपको एडमिशन मिल सकता है। आपकी रैंक 8000 10000 है तो भी उम्मीद है, फर्स्ट में नहीं आता तो सेकंड थर्ड फोर्थ तक आ ही जाएगा। एक बार काउंसलिंग करनी है, काउंसलिंग आपको बार बार करनी पड़ेगी, चॉइस यानी आपको बार बार फिल करना पड़ेगा, बट पैसे आपको जो आप 718 रुपये पैसे पे करने हैं वो आपको एक ही बार पे करना है, दोबारा बार बार पे करने की जरूरत नहीं है। तो चॉइस सबमिशन में आप बहुत ध्यान से फिल करना और मैक्सिमम चॉइस फिल करना, ताकि आपका किसी न किसी ट्रेड में नंबर आ जाए, जो भी ट्रेड आपको चाहिए। ओके, उसके लिए आपको सबसे पहले एक बार क्या करना है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करना है वेबसाइट पर और वहाँ से पढ़ना है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप जब वेबसाइट पर जाओगे तो डाउनलोड सेक्शन एक ऑप्शन होगा और वहाँ से मिल जाएगा। डाउनलोड सेक्शन आपको कहाँ से मिलेगा, ये देखो, यहाँ से आप जब जाओगे वेबसाइट पे, तो वेबसाइट पे साइड में डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, इस डाउनलोड पे क्लिक करोगे आप तो आपको प्रोस्पेक्टस हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में मिल जाएगा। चॉइस सबमिशन के बाद बात करते हैं, उसके बाद पहले काउंसलिंग, जो पहली काउंसलिंग है वो 24 तारीख से शुरू हो रही है, 24 तारीख से सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। ओके, उसकी डेट मैं आपको आगे बताता हूँ पूरे डिटेल में। और उसके बाद जब काउंसलिंग होने के बाद, ये सारे प्रोसेस करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, अलॉटमेंट लेटर, कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सी ट्रेड मिली है। नहीं मिली है वो भी लिखा होगा कि नहीं मिली है, नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, आप सेकंड काउंसलिंग करेंगे। सेकंड काउंसलिंग में अगर आपने काउंसलिंग में ये फ़ी पे कर रखी है स्टार्टिंग में,
तो आपको दोबारा फ़ी पे नहीं करनी, सिर्फ चॉइस सबमिशन करना पड़ेगा। और अगर आपको कोई भी ट्रेड मिल जाती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, प्रिंट आउट करके उसे एडमिशन के टाइम आपको लेके जाना पड़ेगा। तो जो भी आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, जो भी सीट अलॉट होती है, उसके बेसिस पे आपको उसमें ये भी लिखा होगा आपको कितनी फ़ी पे करनी है उस कॉलेज की। तो पार्ट पेमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल फ़ी लिखा होगा ऑनलाइन, ये आपको ऑनलाइन फ़ी पे करनी पड़ेगी, ये आपको ऑनलाइन पहले फ़ी पे करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको कॉलेज में जाकर उस कॉलेज, जिस भी कॉलेज में आपका नंबर आया है वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन कराना पड़ेगा। ओके, ये कंपलसरी है, आपको जाना ही पड़ेगा और ख़ुद जाना पड़ेगा वहाँ पे। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। उसके बाद अगर आपको जो भी आपने जिस भी ट्रेड में आपने एडमिशन लिया है वो ट्रेड आपको पसंद है, तो उसके बाद आप एडमिशन लेने के बाद आप घर पर आएंगे या वहीं से कैसे भी फ़ोन से आपको क्या करना है, अपने आईडी से लॉगिन करना है, जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और लॉगिन करके एक ऑप्शन लिखा होगा, आप जब लॉगिन करेंगे तो एक ऑप्शन आ रहा होगा फ्रिज, फ्रिज लिखा होगा, फ्रिज पे आपको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि उस पर एक टिक मार्क का सिलेक्शन का ऑप्शन होगा कि टिक मार्क सिलेक्ट करने के लिए कि अगर आप अपने ट्रेड से सेटिस्फाई हैं तो फ्रिज पर क्लिक कीजिए। तो आपको अगर आप ट्रेड से सेटिस्फाई हो और किसी और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो फ्रिज पे क्लिक करके ओके कर देना है, आपकी सीट परमानेंट रिजर्व हो जाएगी। लेकिन आपने फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन ले लिया, उसके बाद भी आप उस पर्टिकुलर ट्रेड से आप सेटिस्फाई नहीं हैं, आप चाहते हैं कि मैं ट्रेड चेंज हो जाए तो मैं ट्रेड चेंज कर लूँ, तो आपको क्या करना है, एडमिशन लेने के बाद जैसे मान लो, आपको पहले में पॉलीमर मिल गया या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या कोई भी ट्रेड मिला, आपने एडमिशन ले लिया, तो आप सीट को फ्रिज मत करना, यानी आपको एडमिशन लेने के बाद कुछ नहीं करना। सेकंड काउंसलिंग जब शुरू होगी तो उसके चॉइस सबमिशन में आपको फिर दोबारा चॉइस सबमिट करना पड़ेगा। ओके, चॉइस सबमिशन यानी कि फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी आपको, सेकंड काउंसलिंग में एक बार अपने पे कर रखे तो सिर्फ और सिर्फ चॉइस सबमिट दोबारा करने पड़ेंगे, यानी सेकंड काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिना फ़ी पे किए, और उसके बेसिस पे आपको जो ट्रेड चाहिए सिर्फ वही ट्रेड सेकंड काउंसलिंग में भरना। अगर उनमें से ट्रेड मिल गई तो आपकी सीट अपने आप चेंज हो जाएगी, यानी जो पहले मिला वो ट्रेड अपने आप चेंज होकर दूसरे ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगी और आपके दूसरे कॉलेज में अपने आप बाय डिफॉल्ट एडमिशन हो जाएगा। आपको सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए एक बार सामने वाले जिस कॉलेज में आपका नंबर आएगा दूसरे काउंसलिंग में वहाँ जाना पड़ेगा। और अगर कोई सीट नहीं मिली तो आपकी जो पहली वाली सीट है वो सेफ है। ओके, तो इस तरीके से आपको फ्रिज का ऑप्शन हर राउंड में मिलेगा, ध्यान रखना। उसके बाद लास्ट में बात करें, बिल्कुल एंड में, ये 26 जुलाई के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं आपको। अगर कुछ कॉलेज में कुछ एक्स्ट्रा फीस भी होती है, जैसे प्राइवेट कॉलेजों में है और कुछ और भी गवर्नमेंट कॉलेज में, एक आध कॉलेज में है जहाँ कुछ एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ती है, और कन्फर्मेशन अलॉटमेंट की आपका एडमिशन बिल्कुल कन्फर्म हो गया या आपको 26 जुलाई के आसपास आएगा, तो लास्ट में आपको 26 जुलाई के आसपास फिर लॉगिन करके और चेक करना पड़ेगा क्या आपको कोई एक्स्ट्रा फ़ी तो पे नहीं करनी कॉलेज के लिए। तो अगर कुछ करनी होगी तो फ़ी पे करके उसके बाद आपकी 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो फर्स्ट काउंसलिंग की बात थी, फर्स्ट काउंसलिंग में जिनका नंबर नहीं आया, सेकंड काउंसलिंग में क्या, तो बाकी सारा प्रोसेस सेम है। लेकिन क्या ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा फर्स्ट काउंसलिंग में प्रोसेसिंग फ़ी पे नहीं करता 700 रुपये और सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है, और मान लो वो सेकंड में भी नहीं करता 700 रुपये पे, थर्ड में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो कर सकता है, फोर्थ में भी चाहे तो कर सकता है। बट अगर फोर्थ राउंड के बाद सीटें बच जाती है तो स्पॉट राउंड होता है। लेकिन अगर उसने किसी भी काउंसलिंग में, किसी भी राउंड में उसने प्रोसेसिंग फ़ी पे नहीं की 718 रुपये, तो उसके बाद वो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी सारे प्रोसेस जो भी है फर्स्ट राउंड में मैंने आपको जैसे बताया किस तरीके से क्या क्या आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको सेकंड राउंड में भी सेम है। जो लोग फर्स्ट राउंड में प्रोसेसिंग फ़ी पे नहीं करेंगे, नहीं यूँ बोले तो पहली बार ही वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने जा रहे होंगे, उनको बाकी सारे प्रोसेस सेम फॉलो करना पड़ेगा। ओके, स्पॉट राउंड सिर्फ दिल्ली वालों के लिए होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, स्पॉट राउंड और किसी के लिए नहीं होगा, सिर्फ दिल्ली वालों के लिए होगा। ये कहानी इतनी थी। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि अब उसके डेट्स क्या हैं और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। अब तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो देख लो। सबसे पहला, पेमेंट रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन पार्ट पेमेंट मेड बाय कैंडिडेट, मतलब आप जो कॉलेज की जो फ़ी पे करोगे, कॉलेज की फ़ी जो पे करोगे जब आपका अलॉटमेंट लेटर मिलेगा कि आपके आपका पूसा में या किसी पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो रहा है उसमें, तो उसके लिए आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी 8000 के आसपास। तो वो 8000 जो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस होती है, तो उसे पे करने के बाद वो आपके उस पर लिखा होगा अलॉटमेंट लेटर पर, उसके लिए आप टेंशन मत लो। तो फ़ी पे करने के बाद जो रिसिप्ट होगी उसके आपको उसका प्रिंट आउट चाहिए। उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, यानी जो भी आपको ट्रेड अलॉट होगा कि आपको कौन सी ट्रेड मिल रही है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल या फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, वो उसका भी प्रिंट आउट आपको लेकर रखना है। रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसका भी प्रिंट आउट चाहिए। आप जो चॉइस सबमिट करेंगे, जितने भी चॉइस सबमिट करते हैं उसका भी प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए।
और फोटो ध्यान से, टू आइडेंटिकल लेटेस्ट आइडेंटिकल कलर फोटोग्राफ्स 7.0 सेंटीमीटर इंटू 5.5 सेंटीमीटर साइज, इसी साइज़ की फ़ोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज नहीं चलेगी, आपके पास ना हो तो बनवा लेना जल्दी से, ओके। और फोटो कौन सी जो एडमिट कार्ड पे आपने लगाई थी वही फ़ोटो आपको बनवानी है साइज़ में, ओके। साइज़ नोट कर लेना, फ़ोटो स्टूडियो वाले को बता देना। एडमिट कार्ड जो भी आपने एग्ज़ाम के टाइम आप एडमिट कार्ड लेके गए थे एग्ज़ाम देने, वो ओरिजिनल वही चाहिए, क्योंकि आपने उस पर साइन कर रखे होंगे, टीचर ने भी साइन किया होगा वहाँ पर जो भी एग्जामिनर रहा होगा, ओके। तो वो एडमिट कार्ड चाहिए। प्रूफ ऑफ बर्थ में आपको क्या चाहिए, जो टेंथ का आपको स्कूल सर्टिफिकेट होगा, टेंथ का जो सर्टिफिकेट मिलता है, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट आजकल मिलने लगा है CBSE में, और बाकी पहले वाले में क्या है कि अलग से सर्टिफिकेट मिलता है, उस पर डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, वही चाहिए आपको बस, और कुछ नहीं, अलग से कोई डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। ओरिजिनल भी सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, और साथ साथ कम से कम दो दो फोटोकॉपी करा लेना। और ध्यान रखना डॉक्यूमेंट ओरिजिनल एडमिशन के टाइम जमा हो जाते हैं, वो बाद में आपको मिलेंगे, तो इसलिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल लेके आप वहाँ जाओगे वो जमा हो जाएंगे, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की 4 से 5 फोटोकॉपी करा के घर पर रख लेना, ताकि बीच में आपको कहीं और ज़रूरत पड़े किसी और एग्ज़ाम के लिए, किसी और चीज़ के लिए, तो आप वो दे सको, क्योंकि ओरिजिनल जमा हो जाएंगे और आपको जल्दी मिलेंगे नहीं, वो उसमें टाइम लगता है, ध्यान रखना, ओके। मार्कशीट की फोटोकॉपी भी चाहिए, मार्कशीट का प्रिंटआउट ओरिजिनल मिल गया है तो ओरिजिनल लेके जाना है, और उसका फोटोकॉपी भी लेके जाना है। बट अगर ओरिजिनल नहीं मिला है आपको, तो आपको क्या करना है, इंटरनेट से जो भी रिजल्ट आया होगा टेंथ का, उसे प्रिंटआउट लेना है उसका, टेंथ या ट्वेल्थ आप जो इस बेस पे भी एग्जाम दिए हैं, उसका रिजल्ट उसका प्रिंटआउट लेके उसको स्कूल प्रिंसिपल से साइन करा लेना है, ओके। उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो मिला होगा आपको स्कूल से, उसे भी ले जाना है। SC ST का सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास, उसे बिल्कुल ले जाना है। और ध्यान रखना है OBC के लिए, SC ST रिन्यू कराने की जरूरत है, OBC अगर आपका 31 अगस्त 2018 के बाद का बना हुआ है, 1 अगस्त 2018 के बाद का बना हुआ है तो आपको रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर 1 अगस्त 2018 से पहले का बना हुआ है तो आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, रिन्यू करा के तब आपको देना पड़ेगा, ध्यान रखना, ओके। TFW वाले को इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जिन्होंने ट्यूशन फ़ी के लिए अप्लाई किया हुआ है, कि ट्यूशन फ़ी माफ़ करने के लिए उनको, और बाकी सारे ओरिजिनल चाहिए, और सबके दो दो फोटोकॉपी उनको लेके आपको जाना पड़ेगा, जिस पर आप सेल्फ अटेस्ट करना है, किसी और से साइन कराने की ज़रूरत नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, ओके। स्कूल से मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं मिले तो आप किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से, कोई भी जो फर्स्ट क्लास ऑफिसर होता है उससे आप साइन करा के बनवा सकते हैं। मार्केट में आपको इसका परफॉर्मा मिल जाएगा, या आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। और उसके उसका प्रिंटआउट लेके और किसी भी गैजेटेड ऑफिसर के पास जाइए, जो गैजेटेड ऑफिसर, उससे साइन करा के बनवा लीजिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चल जाएगा आपका। फोटोकॉपी भी चाहिए उसकी। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है आपको मेडिकल, और इसका फॉर्मेट का वो वेबसाइट पे आपको गिवन है, वेबसाइट पे जो मैंने आपको बताया कहाँ पे है, डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको सारे लिंक मिल, सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप कर सकते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। उसके बाद ये एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी आपको फिल करना पड़ेगा, ये भी इसका भी परफॉर्मा जो आपको एक पेज है वो आपको वहीं डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, या इसे स्कूल सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये लिखा हुआ तो है लेकिन बट लास्ट ईयर विदाउट इसके भी एडमिशन हुआ था, तो आप चाहे तो एक बार CET हेल्प डेस्क पे कॉल करके कन्फर्म कर सकते हैं, या फिर मैं आपको पर्टिकुलर उनसे कन्फर्म करके आपको यूट्यूब पे या FB पे मैसेज करके आपको बता दूंगा, अपडेट दे दूंगा कि चाहिए नहीं चाहिए। लास्ट ईयर विदाउट TC विदाउट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट विदाउट माइग्रेशन सर्टिफिकेट एडमिशन हुआ था, लास्ट ईयर हुआ है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ओके। तो अब इस साल का कुछ कह नहीं सकते, बट ऐसा लिखा हुआ है कि ये चाहिए, किस में लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, ओके। और डिक्लेरेशन ऑफ नॉन माइग्रेशन, इसके लिए भी एक सर्टिफिकेट जो आपको फिल करना पड़ेगा, कि मतलब आप दिल्ली पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के बाद आप ये नहीं बोलेंगे कि दिल्ली से मेरा ट्रांसफर बिहार पॉलिटेक्निक में कर दिया है, ऐसा अलाउड नहीं होगा, या UP पॉलिटेक्निक में, तो ये भी फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। और ये भी कहाँ मिलेगा आपको, ये भी वहीं मिलेगा डाउनलोड सेक्शन में, ओके। यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में पहले मैं आपको इस काउंसलिंग के डेट्स बता देता हूँ, वो डेट्स देख लीजिए। 22 को रिजल्ट आ गया, पहली काउंसलिंग जो शुरू होगी 24 तारीख से, 24 से 27 तक आपको प्रोसेसिंग फ़ी पे करनी है, 27 को शाम 6 बजे तक, उसके बाद नहीं हो पाएगी। रजिस्ट्रेशन जो करना है वो 24 से 27 तक होगा, और चॉइस सबमिशन भी 24 से 27 तक होगा। 28 तारीख को फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट 4 बजे आ जाएगा, फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट 4 बजे आ जाएगा कि आपको कौन सी ट्रेड मिली और कौन से कॉलेज में मिली या फिर नहीं मिली। जो भी कॉलेज मिलेगी, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा, जो भी ट्रेड मिलेगी उसके बेसिस पे उसको आपका उसको प्रिंट आउट लेने लेना है आपको। प्रिंट आउट करने के बाद जो भी प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर होगा उसका प्रिंट आउट लेने के बाद क्या करना है आपको, उस पर लिखा होगा कितनी फ़ी पे करनी है उस कॉलेज की,
वो फ़ी पे करनी है आपको 29 जून से 1 जुलाई तक 4 बजे तक। फ़ी पे करने के बाद उसका भी प्रिंट आउट ले लेना है, और उसके बाद आपको 29 जून को से 2 जुलाई के बीच में आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं अभी पहले, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उस कॉलेज में पर्टिकुलर खुद जाना है। आप चाहे तो अपने पेरेंट्स को भी साथ में ले जा सकते हैं, ना ले जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ले जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, साथ में कोई ना कोई जाए तो अच्छा रहेगा। उसके बाद मैंने फ्रिज करना बता दिया आपको, अगर आप उस ट्रेड से सेटिस्फाई हैं तो आकर आपको लॉगिन करके आप फ्रिज का ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, ताकि आपकी सीट रिजर्व हो जाए, अपग्रेड ना हो। और अगर आप फ्रिज नहीं करेंगे तो सीट अपग्रेड हो सकती है, सेकंड काउंसलिंग में आपको कोई और ट्रेड मिल सकती है। ओके, सेकंड काउंसलिंग में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो ओके, और पार्टिसिपेट नहीं भी करेंगे, फ्रिज नहीं करेंगे तो आपको सेकंड काउंसलिंग में दूसरी ट्रेड मिल सकती है, क्योंकि आपने जब चॉइस सबमिट किया होगा तो आप एक से ज़्यादा ट्रेड फिल करेंगे, तो आपने जो पहली ट्रेड फिल की उसी वही मिल गई, बट आपने फ्रिज नहीं किया तो सेकंड राउंड में उसके बाद जो भी आपके सेकंड नंबर थर्ड नंबर पे आपने जो भी चॉइस है उनमें से भी कोई सी आपको अलॉट हो सकती है। यानी कि अगर आप फर्स्ट राउंड से सेटिस्फाई हैं तो आपको फ्रिज करना कंपलसरी है, और सेटिस्फाई नहीं है तो आप मत कीजिए फ्रिज। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग 29 तारीख से शुरू हो जाएगी, 29 जुलाई से, ठीक है, 29 जुलाई से 2 जुलाई तक। उन बच्चों को फ़ी पे करनी पड़ेगी जिन्होंने फर्स्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, फर्स्ट में 718 रुपये पे नहीं किए प्रोसेसिंग फ़ी के, लेकिन जिन्होंने कर रखे उनको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ चॉइस सबमिशन करना है और रजिस्ट्रेशन करना है 1 जुलाई से 3 जुलाई के बीच में। ओके, सेकेंड काउंसलिंग का रिजल्ट 5 जुलाई को आएगा शाम को 4 बजे। फिर आपको कॉलेज फ़ी पे करनी पड़ेगी एज यूजल 6 से 9 जुलाई के बीच में, और वेरिफिकेशन के लिए 6 जुलाई से 10 जुलाई तक जाना पड़ेगा आपको। यहाँ भी फिर उसके बाद अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो फ्रिज का ऑप्शन आ जाएगा, फ्रिज आप करेंगे तो आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी, नहीं फ्रिज करेंगे तो अगले में अपग्रेड हो सकते हैं, यानी कोई दूसरी ट्रेड भी अगले राउंड में मिल सकती है आपको, या फिर आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में, बट फ्रिज कर दिया तो दोबारा आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सेम प्रोसेस थर्ड राउंड का भी है, 6 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में, और चॉइस सबमिशन 12 जुलाई से 14 जुलाई, रिजल्ट आएगा 16 जुलाई को। फिर कॉलेज की फ़ी पे करनी होगी 16 से 19 जुलाई में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 17 जुलाई से 19 जुलाई में जाना पड़ेगा, और फिर फ्रिजिंग का ऑप्शन जो होगा सेम एज यूजुअल जैसे मैंने बताया है पहले, 17 से 20 जुलाई के बीच में आपको फ्रिज करना पड़ेगा। फोर्थ राउंड की काउंसलिंग 16 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में होगी, जिसमें जिन बच्चों ने अब तक थर्ड काउंसलिंग तक भी अगर 718 रुपये पे नहीं किए तो पहले उन्हें पे करना पड़ेगा, उसके बाद 21 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में उन्हें रजिस्ट्रेशन और चॉइस सबमिशन करना है। 25 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा उनका, शाम को 4 बजे ही आएगा रिजल्ट। उसके बाद 25 से 26 जुलाई के बीच में उनको फ़ी पे करनी पड़ेगी कॉलेज की, 26 जुलाई से 27 जुलाई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये 4 राउंड की काउंसलिंग है। उसके बाद 26 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में जो अगर कुछ बैलेंस फ़ी है किसी कॉलेज की तो वो एक्स्ट्रा आपको पे करनी पड़ेगी, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपके पर्टिकुलर आपका ईमेल आईडी पे आ जाएगा, ईमेल आईडी पे तो नहीं आएगा आपके अकाउंट पे आएगा आपको, यानी लॉगिन करना पड़ेगा आपको, वेबसाइट पे लॉगिन करना पड़ेगा एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड एंटर करके, और उसके बेसिस पे आपको चेक करना पड़ेगा जिसमें आपका फाइनल अलॉटमेंट लेटर आएगा कि आपको कॉलेज पर्टिकुलर ये अलॉट कर दिया गया आपको इतने तारीख से कॉलेज आना है। तो 1 अगस्त से क्लासेस शुरू होंगी, वो मैं आपको आगे भी बता दूंगा अगर कोई डेट चेंज होगी तो किसी भी, क्योंकि देखो टेंटेटिव डेट्स होती है, इसमें कोई थोड़ा बहुत अगर कोई फेस्टिवल आ गया बीच में, कोई प्रॉब्लम हो गई, सर्वर इशू हो गया, तो डेट 1-2 दिन आगे पीछे बढ़ भी सकती है। ओके, तो इसलिए वेबसाइट पर लगातार विजिट करते रहना। तो 26 जुलाई से 30 जुलाई तक आपको ये सारा काम कर लेना है, बैलेंस फ़ी पे करना है और अलॉटमेंट लेटर, फाइनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना। सीटें अगर बचेंगी तो सिर्फ दिल्ली वालों बच्चों के लिए, दिल्ली वाले कैंडिडेट्स के लिए स्पॉट राउंड होगा, जिसे स्पॉट राउंड बोलते हैं, जिसमें आपको पहले ऑनलाइन विलिंगनेस फिल करनी पड़ेगी कि मतलब मुझे इस पर्टिकुलर राउंड में, स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। वो कब से कब तक करना है, 1 अगस्त से 4 अगस्त तक, वो भी 4 बजे तक। उसके बेसिस पे फिर वेबसाइट पे आ जाएगा कि मतलब कितने रैंक से कितने रैंक वालों तक को कितने तारीख को पर्टिकुलर जाना है कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए और फ़ी पे करने के लिए। ओके, तो ये मैं आपको आगे फर्दर बता दूंगा। ये कब डिस्प्ले होगा, स्पॉट राउंड की लिस्ट जो आएगी वो 6 अगस्त को आएगी, ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। इसके बेसिस पे आपको सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। अब आप प्रोसेसिंग फ़ी पे करो, काउंसलिंग करवाओ, डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, सब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ डाउनलोड सेक्शन में क्या क्या अवेलेबल है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आप, वेबसाइट थोड़ी स्लो चल रही है क्योंकि सभी लोग रिजल्ट एक्सेस मिले। देखो इस पर डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक करोगे तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो इंग्लिश में भी और हिंदी में, इसमें अभी थोड़ा अपडेट नहीं हुआ, इसको अपडेट किया जाएगा बाद में, क्योंकि इसमें अभी आप चेक करोगे तो काउंसलिंग जो प्रोसेस है ना, काउंसलिंग डेट वो पुरानी वाली डेट दिखाई जा रही है, जो 21 को रिजल्ट आना था तो उसके अकॉर्डिंग 22 से स्टार्ट होना था, बट वो अब चेंज हो चुकी है। मैंने भी वीडियो जो पहले डाली थी उसमें 21 के अकॉर्डिंग थी, 21 को रिजल्ट और 22 से, बट आप उसे इग्नोर करना, अब इसे देखना। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें मैंने बताए हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट,
या जिनका डिफेंस का है नॉन माइग्रेशन सर्टिफिकेट, या जो डिसेबल पर्सन हैं एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, या जो जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं उनके लिए आरक्षण होता है कोटा, उसके सर्टिफिकेट, TFW वालों के लिए, ITI स्टूडेंट्स के लिए, और इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय EWS जो आरक्षण मिला है बच्चों को उसके लिए भी। तो सारी चीज़ें सर्टिफिकेट आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप क्लिक करके आप डाउनलोड करके इसे फिल करके ले जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, वीडियो को लाइक करना, दूसरों तक शेयर करना, बाकी लगातार मैं आपकी हेल्प में लगा रहूँगा यूट्यूब पे, तो आप यूट्यूब से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं बीच बीच में आप लाइव आकर भी आपको डिटेल्स बताते रहूँगा जो भी अपडेट होगा जैसा भी होगा।